आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा खंड स्नातक सीट से सपा प्रत्याशी निवर्तमान MLC डॉक्टर असीम यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये चुनाव प्रबंधन का है, इसलिए जीत उनकी ही होगी। हर व्यक्ति भाजपा की नीतियों से आजीज आ चुका है। सुबह ठीक 11 बजे सपा प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान MLC डॉक्टर असीम यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और बेरोजगारों स्नातकों की आवाज बनकर उन्होंने काम किया है, उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि स्नातकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो सुविधाएं माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में दी गई थी, वो दोबारा शुरू हों, उसके लिए बराबर मैंने सदन में अपनी बात रखी, बात उठाई और जल्दी से जल्दी नई सरकार जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बने, उसमें बेरोजगारी भत्ते से लेकर जितनी भी सुविधाएं टीचर्स के लिए दी हैं पिछले 15 सालों में, वो दोबारा शुरू हों, इसके लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो स्नातक हैं, जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षक हैं, सभी तरह के, वे सरकार में पूरी तरह पीड़ित थे और वो सारी सुविधाएं जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी की पिछली समाजवादी सरकारों में थीं, वो दोबारा जल्दी से जल्दी शुरू हों, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहे और आगे जल्दी से शुरू हों, ये मेरा प्रयास रहेगा। आपको बता दें कि 2014 चुनाव में सपा प्रत्याशी के रूप में असीम यादव ने एक तरफा जीत हासिल की थी। आगरा खंड स्नातक सीट का क्षेत्र 12 जनपदों तक फैला है, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया और इटावा जनपद शामिल है। स्नातक खंड सीट से कुल 2,81,000 मतदाता है। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।